फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आकांक्षा आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ। और ये जो आप हॉल देख रहे हो, ये हॉल मैं आज आपसे शेयर करनी हूँ। अमेजोन से मैंने परचेस किया हुआ है और ये ना मैंने बहुत टाइम से परचेस कर रही हूँ, यानी कि ये जब मेरी डिलीवरी टाइम चल रहा था ना, उस टाइम से मैंने सर्च किया था बहुत सारी चीज़ें, तो वो धीरे 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 आ रही थी स्टॉक पर। तो इस बार मैंने बहुत सारी चीज़ लेके आई हूँ आपके लिए, जो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। वीडियो में आगे भी रहिएगा, बट वीडियो पूरा देखने से पहले ना मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ना मुझे भी मोटिवेट करता है। तो ये सूट ना, ये सारे सूट ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें से एक दो सूट ऐसा हो गया था, बहुत टाइम हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा यूज़ भी किया है। मैं क्वालिटी भी आपको बता सकती हूँ कि किसकी, मतलब किस सूट की कैसी क्वालिटी मुझे रिसीव हुई है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगी, वीडियो को स्टार्ट करूँ। तो वीडियो स्टार्ट करती हूँ, आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट सूट दिखाती हूँ। तो ये जो मेरा फर्स्ट सूट है ना, ये थ्री पीस वाला है जो मैंने अमेजोन से परचेस किया हुआ है। ये मैंने बहुत सारी वेबसाइट पर देखा हुआ था, बट ना मुझे जैसे कि मैं ज़्यादा वेबसाइट की चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ कि सब वेबसाइट से लेती हूँ, तो मैंने ये अमेजोन से मंगवाया। मैंने सोचा एक बार अमेजोन का मैं ट्राई करती हूँ ये वाली पीस। ये इतना सुंदर मुझे रिसीव हुआ है ना, आप देख रहे हो, ये पूरी प्लेन कुर्ती है। मतलब कुर्ती में ऐसे बताने के लिए तो कुछ भी नहीं है क्योंकि प्लेन है, बट इसकी जो फैब्रिक है ना, वो जो सिल्क होता है सॉफ्ट वाला, उस सिल्क में सॉफ्ट सा ये फैब्रिक मुझे रिसीव हुआ है। इसकी 3/4 स्लीव मुझे मिली है और स्लीव में आप देखोगे ना, इस तरीके से थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हुई है। अब मैं इसकी नेक की बात करूँ ना, तो नेक देखोगे आप तो ये देखो, ये इसमें ना ऐसे गोल गोल आपको ऐसे राउंड दिख रहा होगा, ये जैसे कि हम लोग बटन्स वगैरह लगते हैं ना, उस तरीके से कपड़े का लगा हुआ है। ये नेक आपको ना यहाँ सामने से थोड़ा सा ओपन मिलता है, बहुत प्यारा लग रहा है। ए लाइन कुर्ती है, सॉफ्ट है पहनने के लिए, मार्केट जाने के लिए ये इतना अच्छा पीस है। मतलब मुझे बहुत अच्छे में रिसीव हुआ ये। क्या होता है ना कि इसमें जैसे ऑफ़र वगैरह चलते रहते हैं, आप जैसे कई बार कभी वेबसाइट पे देखते हो कि ऑफ़र वगैरह चल रहा है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा रेंज के मिलते हैं, कई बार कम के मिलते हैं। मैं इसका स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर लगाती जा रही हूँ, आप देखते जाइएगा। ये मुझे समथिंग 11 में ऐसा कुछ मिला था और मैंने इसको ये भी देखा है कि और ज़्यादा रेट के भी थे कई वेबसाइट पे, तो मैंने इसको जिस रेट में लिया वो आपको स्क्रीन पे लगा रही हूँ, आप देखिएगा। अब इसके साथ ना मुझे ये प्लाज़ो मिला हुआ है। प्लाज़ो आप देखो कि लूज़ है, बहुत सॉफ्ट है, अच्छे फैब्रिक का है। और इस प्लाज़ो के साथ ना मुझे जो इसमें पॉकेट मिल रहा है दोनों साइड, ये पॉकेट ना इतना अच्छा लगता है प्लाज़ो में कि आप थोड़े से ना आप ऐसे मतलब कि मनी वगैरह ऐसा रखना चाहो ना, कि थोड़ा सा चेंज रखे हो कहीं भी जा रहे हो तो वो रख सकते हो, मोबाइल रख सकते हो। तो बहुत अच्छा फैब्रिक का और बहुत अच्छी क्वालिटी में मुझे ये प्लाज़ो रिसीव हुआ। थर्ड आते हैं इसके दुपट्टे पर। जो दुपट्टा मुझे मिला है ना, अब आपको जब मैंने इसको वेयर किया, देखो वेयर में सारी चीज़ें समझ में आती है, इसलिए मैं वेयर करके बता रही हूँ। अब इतना चौड़ा इसका दुपट्टा है, ये बहुत ही चौड़ा प्लेन दुपट्टा आपको रिसीव होगा। और इस तरीके से ना इसमें साइड में देखोगे, इस तरीके से कहिया हुई है जो राउंड राउंड है, और ये इतना प्यारा लग रहा है ना, यानी कि कुर्ती की जो शोभा होती है ना वो यही बढ़ा रही है। तो इस तरीके से मुझे ना लास्ट में इसमें ये मिलता है जो लटकन टाइप का होता है ना, वो इस तरीके से फैब्रिक में लगा हुआ है। अपने नेक्स्ट सूट की बात करती हूँ, तो ये ना मैंने कॉटन का ऑर्डर किया हुआ है, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इसका फ्रंट दिखाती हूँ, ये जो मैंने साइज़ ऑर्डर किया, ये एस साइज़ ऑर्डर किया क्योंकि मैंने खुद के यूज़ के लिए किया है, तो बिल्कुल जो फिट हो जाए वो मैंने ऑर्डर किया। अब इसके नेक की बात करें ना, तो इस तरीके के मुझे सामने जो वी नेक होता है, वी नेक मिला हुआ है। स्टैंड टाइप का कॉलर इसके साथ मुझे रिसीव हुआ है। ये ए लाइन कुर्ती है, आप देखोगे ना ए लाइन कुर्ती है, बट ये पहनने में इतना प्यारा मुझे लग रहा है ना। इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे कॉटन का रिसीव हुआ, इतना सॉफ्ट है ये, मतलब जो खादी टाइप के कॉटन होते हैं ना, उस कॉटन में मुझे रिसीव हुआ है। और इसकी स्लीव की बात करूँ ना, तो स्लीव मुझे इसे 3/4 स्लीव मिली हुई है, और स्लीव में थोड़ा सा चौड़ा टाइप का, यानी कि जो फैब्रिक है यही फैब्रिक डबल बार में इसमें लगा हुआ है, और इस तरीके के मुझे इसमें पाइपिंग मिलेगी। तो ये पहनने पे मुझे लुक वाइज भी बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ इसको पहन के, यानी मार्केट वगैरह मुझे कहीं पे भी ऐसे ऑफिस वगैरह जाना है तो इसको मैं पहन के बहुत अच्छे से वेयर कर सकती हूँ। और इसको आप घर पे भी पहन सकते हो अगर आप पहनना चाहो तो। तो ये मुझे बहुत प्यारा रिसीव हुआ। मुझे इसको किस प्राइस में रिसीव हुआ ना, स्क्रीन पर मैं इसकी स्क्रीन शॉट लगा रही हूँ, आप देख लीजिए। इसकी लिंक भी प्रोवाइड कर रही हूँ आपको, आपको अगर इसका पसंद आता ना, इस टाइप के बहुत सारे पैटर्न हैं अमेजोन पर, आप जाएँ तो वहाँ पर जाके इसको परचेस भी कर सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से तो इसको 5 स्टार मिलना चाहिए, मतलब मुझे इतना पसंद आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है ना, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और देखो वीडियो ना आगे बढ़ने से पहले ना, आपको ना मेरी आईडी देख रही होगी ना इंस्टाग्राम की, वहाँ मैं बहुत सारी रील्स फोटोग्राफ सारी चीज़ें अपडेट करती हूँ इसकी। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो ना तो वहाँ पर जाके मुझे DM करिए, बट इतना ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली है, ताकि मैं आपका रिप्लाई कर पाऊँ। तो जल्दी से जाइए आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो करिए।
अब मैं आपको अपना थर्ड पीस बताती हूँ। ये थर्ड पीस आप देख रहे हो ना, इसको मैंने पहना हुआ था आपको, मैं मतलब वन टाइम पहना है फिर मैं आपको बता रही हूँ, और इसलिए इसको प्रेस करवा के रखा है। तो ये आप देखोगे ना, इसको भी मैंने एस साइज़ लिया हुआ है। इसमें नेक की बात करूँ ना, तो नेक मुझे ऐसे राउंड में मिला हुआ है। सामने की बात करूँ तो ब्लैक कलर का ऐसा प्रिंट हुआ है। और इसके जो मुझे पीस रिसीव हुआ है ना, ये वन मतलब कि ए लाइन जो कुर्ती होती है, ए लाइन कुर्ती है। साइड की बात करूँ ना, तो साइड में जो ओपन है ना, इस तरीके से मुझे ब्लैक कलर की पट्टी लगी हुई है, जो कपड़े की कॉटन की पट्टी लगी है। और इसकी जो मुझे स्लीव रिसीव हुई है, स्लीव आप देखोगे 3/4 है, वैसे ही ब्लैक कलर की पट्टी इसमें भी रिसीव हुई है। कपड़े क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा है। घर पे आप वॉश करो, आपको मतलब हाथ से जैसे घर पे आप खुद धुलते हो तो वैसे धुलो, या वॉशिंग मशीन में धुलते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतनी सॉफ्ट कॉटन है और इतने अच्छे रेंज में मुझे रिसीव हुई। मैंने जो इसको वेयर किया ना ब्लैक कलर के प्लाजो के साथ किया, एक नंबर पीस लग रहा है। मतलब मुझे ना जो दिल खुश करने वाला पीस होता है ना, ये कहीं भी पहन लो, कैसे भी पहन लो, घर पे वेयर कर लो, बाहर चले जाओ, आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया ना तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं अपनी और कुर्ती की बात करूँ तो ये भी मैंने एक सिंगल कुर्ती रिसीव किया। एक्चुअली मैंने ना इसकी पिक्स वगैरह बहुत ज़्यादा देखी थी, मुझे पसंद आई थी। तो इसके नेक की बात करें ना, ऐसे राउंड में मिलता है, जो स्टैंड कॉलर होता है ना, फुल स्टैंड उस तरीके से है, बट बैक साइड से ये ओपन है। और बैक साइड में ना इस तरीके से इसमें बटन्स दी हुई हैं, जो कपड़े की ही है, आप इसको ऐसे लगा सकते हो। और सामने की बात करें ना, तो इस तरीके से ना दोनों साइड पे आपको ना डिज़ाइन मिलेगी, जो कि एम्ब्रॉयडरी होती है। और ये मुझे पूरी कुर्ती ना ए लाइन कुर्ती मिली हुई है, जो रेड कलर होता है ना, जो हम लोगों को रेड पसंद आता है, प्रॉपर रेड हम लोग देखना चाहते हैं, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सेम मुझे वैसे ही रिसीव हुआ है। अब इसकी स्लीव की बात करें ना, इसकी स्लीव मुझे इस तरीके की रिसीव हुई है, जिसमें ना आप स्टार्टिंग में देखोगे तो ऐसी चुन्नट चुन्नट दी हुई है, और इसके ना जो ऊपर हम लोगों के राउंड के साइड होता है ना, आर्म होल के साइड, इस तरीके से हम लोगों को चुन्नट चुन्नट यहाँ पे भी मिला है। तो ये पहनने में बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने इसको वाइट कलर के साथ वेयर किया, जो मैंने स्पेशल इसके लिए ऑर्डर किया हुआ था। मुझे बहुत पसंद आई है ये पीस। अभी मैंने इसको ना सिर्फ वेयर करके फर्स्ट टाइम आपको दिखा रही हूँ, अभी मैं पहन नहीं पाई थी इसको। तो मुझे ये पीस बहुत पसंद था, कहीं भी मैं बाहर बाहर जाऊँ ना, जैसे मार्केट वगैरह, तो मुझे ऐसे लूज़ पैटर्न में बहुत पसंद आते हैं, तो मैंने इसको ऑर्डर किया हुआ था। अब अपने नेक्स्ट पीस की बात करूँ तो नेक्स्ट पीस ये है, जो कि रेड कलर का ही है, और आपको सबको पता होगा कि मुझे रेड कलर बहुत पसंद है। तो मैंने ना इसको एस साइज़ का ऑर्डर किया हुआ है। नेक की बात करें तो पीछे से तो देखोगे आप बंद है, मतलब कि जिसको वोट नेक बोला जाता है ना, सामने बैक पीछे रहता है, तो ये सिर्फ पीछे से है। और फ्रंट की बात करें ना, तो फ्रंट में हमको ऐसे गोल नेक मिलता है और सामने से ऐसा हल्का सा ओपन मिलेगा। स्लीव पे जाते हैं तो स्लीव हम लोगों को ये ना मतलब कि ये स्लीव इसमें ना, जैसे कि हम लोगों की शर्ट पैटर्न में ऐसे पट्टी लगी होती है और बटन्स होते हैं, उस तरीके के इसमें बटन्स हैं। 3/4 स्लीव आपको मिलेगी, और ये पूरा ना वन पीसेस के अकॉर्डिंग है, यानी हम लोग इसको सिंगल पहन सकते हैं। मैं चाहूँ तो सिंगल भी पहन सकती हूँ, लेगी पे भी पहन सकती हूँ। और इसमें ना हम लोगों को दोनों साइड पे ऐसे पॉकेट मिलता है, यानी कि इसमें पॉकेट भी है, प्लस ये फ्रॉक पैटर्न टाइप का है ना, तो इसमें इस तरीके का दिया हुआ है, जो कि पट्टी आप ऐसे पीछे करके ऐसे आप बांध भी सकते हो। तो ये बहुत प्यारा पीस है। क्वालिटी वाइज ये एकदम सॉफ्ट कॉटन जो होता है ना, क्वालिटी वाइज में वो है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। रेंज बहुत अच्छी थी, मैंने इसको कई वेबसाइट पर देखा था, यानी कि ये ना मैंने मिंत्रा पर भी देखा था, तो बहुत ज़्यादा हाई रेंज के थे। और फिर मैंने इसको अमेज़ॉन पर देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मैं फिर इसको फटाक से ऑर्डर करती हूँ। अब अपने अगले पीस पे जाते हैं। तो जो मेरा अगला पीस है ना, वो ऐसे मैंने मतलब ये ना मैंने प्लाजो के अकॉर्डिंग या फिर जीन्स के अकॉर्डिंग इसको ऑर्डर किया हुआ था। तो ये ना कॉटन का है, बहुत ही प्यारा है। इसके साइज़ की बात करूँ तो इसको मैंने एम साइज़ ऑर्डर किया है, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग प्लाजो पे और जो जीन्स वगैरह पहनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फिट वाले पीसेस अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लूज़ ऑर्डर किया। तो ये मैंने एम साइज़ ऑर्डर किया हुआ है। आप इसको देखोगे ना, ये तम्बाकू टाइप के कलर का है। इसकी स्लीव मुझे 3/4 मिली हुई है, और इस तरीके से ना, जिस तरीके से इसमें लाइनिंग में डिज़ाइन बनी है, वैसे ही इसमें भी डिज़ाइन बनी हुई है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में ना हमको ऐसा बटन बटन मिलेगा, और यहाँ पर हल्की सी चुन्नट मिलेगी। तो बहुत प्यारा पीस है ये पहनने पे। आपको देखो, मैं बता ज़्यादा अच्छे से नहीं पा रही होंगी ना, तो आपको पहनने में समझ में आ रहा होगा, मैं पहन के इसको बताती जा रही हूँ। तो ये पहनने में बहुत ही प्यारा लग रहा था, इसी के लिए मैंने जो प्लाजो पे दिखा रही हूँ ना आपको, मैंने इसी के लिए इसको ऑर्डर किया हुआ था स्पेशल, कि ये प्लाजो पे बहुत अच्छा लगेगा, तो मैंने इसको सेट करके ही ऑर्डर किया था। तो ये रेंज वाइज भी बहुत अच्छा था, इसमें कलर कॉम्बिनेशन है, ब्लैक लेना चाहे, ब्लू लेना चाहे, रेड लेना चाहे, बहुत
बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाइए फटाक से परचेस करिए और अपनी पिक्स भी मुझे ना इंस्टाग्राम पे शेयर करिएगा ताकि मैं भी देखूँ कि आप कैसे लग रहे हैं। अब इसके प्लाजो की बात कर लेते हैं। मैंने इसके साथ ऑर्डर नहीं किया है, अलग से किया है, बस मैंने ऐसा ना ब्लैक कलर का प्लाजो, इस पर कॉटन का है ये ऑर्डर किया हुआ था। इसमें प्रिंट देखोगे आप सेम उसी तमाकू कलर में प्रिंट है। और ये ना इसके उसकी बात करूँ ना, जो हम लोगों के प्लाजो जैसे सिंगल पहनते हुआ तो आपको थोड़ा सा लूज चाहिए होता है, तो ये बहुत ही लूज़ है, पहनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल लाइट वेट है, कहीं भी चले जाओ आप बहुत क्लासिक लगोगे। बहुत ही अच्छे कपड़े का है, मतलब फैब्रिक बहुत अच्छा है। उसकी इलास्टिक की बात करूँ ना तो इलास्टिक भी इसका बहुत अच्छा है, यानी कि आपको टाइट भी नहीं लगेगा, ढीला भी नहीं लगेगा। तो इसकी भी ना जिस प्राइस का मुझे रिसीव हुआ है, स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन शॉट होगा तो वो आपको पता चल जाएगा। अब मैं अपने ना मैंने एक ये ऑर्डर किया हुआ था, जैसे मैंने अभी आपको रेड कलर का पीस दिखाया था ना, उसमें वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी थी, उसी के लिए मैंने ये ऑर्डर किया हुआ था। वो एक्चुअली उसके साथ ही पीस लगा हुआ था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, फिर मैंने अमेज़ॉन में इसको ढूंढा तो मुझे मिल गया। ये ना सलवार जो होती है ना उस पैटर्न में है, बट हम लोगों की जो सलवार होती है थोड़ी सी अलग होती है। ये ना सामने से आपको इलास्टिक मिलेगी, इसको भी मैंने एम साइज़ का ही ऑर्डर किया हुआ है और वाइट कलर का ये है। नीचे की बात करें ना, नीचे इस तरीके की पट्टी दी हुई है और चुन्नट दी हुई है, तो ये ना आप किसी पे भी वेयर करिए, यानी कि इसको ना किसी टॉप पे भी वेयर करेंगे ना, थोड़ा सा लॉन्ग टॉप होता है उस पे भी अगर आप वेयर करोगे तो बहुत प्यारे लगोगे। और आप ऐसे भी इसको पहन सकते हो, यानी कि उस कुर्ती पे जैसे मैंने पहना है, इस तरीके से आप किसी कुर्ती पे पहनना चाहो ना जिसमें वाइट कलर का हो तो भी आप बहुत प्यारे लगोगे। तो ये थे मेरे आज के वीडियो, जो सूट और स्कर्ट, मतलब स्कर्ट नहीं सॉरी सूट, और मैंने जितनी चीज़ें प्लाजो व्लाजो आपको सारी चीज़ें दिखाई, इसके कॉम्बिनेशन में आज मैंने आपसे शेयर किया। तो मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और इसी तरीके की वीडियो मैं बहुत मतलब बहुत अपडेट करती रहती हूँ, तो आप जल्दी से ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं वीडियो वगैरह ऐसे कोई भी अपलोड करूँ ना तो आपको सबसे पहले रिसीव हो सके। तो फिर बहुत जल्दी मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।